जो भी चाहिए Z5 ऐप पर पाएं। बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। देखा ना आपकी बेटी ने क्या किया, बचपने की हद होती है, कैसे कोई ऐसे कर सकता है। गुस्सा करने से पहले एक बार ये तो सोच लो कि कल्याणी जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी। तुम्हारी और घर वालों की इज्जत उछालने का शौक है क्या उसे? और साड़ी तो कल्याणी ने पहली बार नहीं पहनी थी, पहले भी वो पहन चुकी है, तो तब उसने उसके अंदर ऐसे कपड़े पहने थे नहीं ना? तो अब जब उसने साड़ी के अंदर ऐसे कपड़े पहने तो उसका कुल तो कारण होगा। हाँ माई मैं समझता हूँ, लेकिन क्या क्या कारण हो सकता है आप जानती हैं? कल्याणी के साड़ी का धागा। मैं समझा नहीं। इस चप्पल में वो धागा अटका हुआ था। इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये चप्पल पहनी थी उसके पैर गिरने की वजह से कल्याणी की साड़ी उतर गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने भी ये चप्पल पहनी हो वो पहले से जानती हो कि कल्याणी ने साड़ी के अंदर क्या कपड़े पहने हैं। और उसने ये जानबूझकर किया हो? कुछ ऐसा आप जानती हैं कि जो मैं नहीं जानता? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं क्या? देखो मल्हार, मैंने कल्याणी को बहुत समझाया था कि सबको सच बता दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि कल्याणी को वो वाहियात कपड़े पहनने पड़े? कितना झूठ बोल रही है ये, खुद को बचाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सरा! की बहू पर हाथ उठाना ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें।